प्रकृति विराट है। उसका सौंदर्य हमें कई स्तरों पर दिखाई देता है। प्रकृति मानवीय सभ्यता में कला का एक प्रेरणा स्थान है। आकाश की ऊंचाई छूने का प्रयास करती सिकोया, कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्रीज की ऊंचाई हो या फिर समुद्र के गहरे स्तर में प्रकाशमान होने वाले सूक्ष्म जीव, प्रकृति का निरीक्षण मानव सभ्यता के जिज्ञासा और चिंतन का मूल रहा है। मानव प्रकृति का प्रतिबिंब अपनी कला और विज्ञान के साधना में खोजने का प्रयास मात्र करता है। यही खोज उसे प्रकृति के उन गहरे तथा कूट रहस्यों तक लेकर जाती है जो उसकी विराट अभिव्यक्ति में सदियों से छुपे हुए हैं। कला हो या फिर विज्ञान, दोनों उसका आवरण दूर करते हैं, उन रहस्यों का आवरण दूर करते हैं, उसका अनावरण करते हैं। यही कारण है आधुनिक विज्ञान में उसको डिस्कवर करना, मतलब उन तथ्यों का अनावरण करना कहते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। कबीर जी कहते हैं जो ढूंढेगा उसे प्राप्त होगा, उसे मिल जाएगा। भारतीय चिंतन में दो स्टेजेस हैं, दो स्टेप्स हैं। भारतीय चिंतन शास्त्र ये दो स्टेजेस पर काम करता है। उसका पहला सोपान है, वो है अन्वीक्षिकी, यानी अन्वेषण करना, मतलब खोजना। और उसका दूसरा सोपान है, द सेकेंड स्टेप, वो है अनुमिति, अनुमान, यानी तर्क, यानी लॉजिक, अ टेंजिबल वे टू आर्टिकुलेट द थिंग्स, उसको अनुमिति कहा है। अन्वीक्षिकी और अनुमिति, इन दो पहियों पर चिंतन का रथ चलता है।